परचे हम सावन सा बरसे हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम हो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन 4.3 आपकी एक्सरसाइज है। जो आपकी 4.2 एक्सरसाइज है वो बहुत ही सिंपल है, वो बहुत ही सिंपल है। उसमें बस जो नंबर्स दिए गए हैं आपने उनको ऐड करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बताया गया है कि दो लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। इन्हें कॉलेज दिया रहा 2 लाइब्रेरीज, और एक लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं, कितनी? 92,87,549। और दूसरी लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं, यानी 79,40,065। तो टोटल बुक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करेंगे, और जो आंसर आएगा वो आएगा टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन दोनों लाइब्रेरीज में कितनी हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक स्कूल ने 7,59,928 रुपीज की बस खरीदी, 5,65,974 रुपीज की कार खरीदी और ऑटो खरीदा इतने का, और वैन खरीदी उन्होंने 3,595 की। तो टोटल मनी, टोटल पैसा स्कूल वालों ने कितना खर्च किया? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा इन चारों नंबर्स को क्या करेंगे, इन चारों प्राइसेस को क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि टोटल पैसा स्कूल वालों ने कितना खर्च किया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि आर्यन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ कितना, 9,38,48,208 मीटर बाय कार, ठीक है, और 69,20,002 मीटर बाय ट्रेन एंड 82,92,86,607 मीटर बाय हेलीकॉप्टर। और हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है कि आर्यन ने कितना ट्रेवल किया, कार से, ट्रेन से और हेलीकॉप्टर से। तो हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, हमें पता चल जाएगा कितने मीटर डिस्टेंस निकला, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने सम निकालना है सबसे बड़े 8-डिजिट नंबर का और सबसे छोटे 9-डिजिट नंबर का। अब आप तो देखो सबसे बड़ा 8-डिजिट नंबर कौन सा है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, और सबसे छोटा 9-डिजिट नंबर कौन सा है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। वो चेक करो कौन कौन से हैं, फिर उनको ऐड करो, जो आंसर आएगा वो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक मैं समझा देता हूं आपको सब्ट्रैक्शन का भी, एक्सरसाइज 4.3 का पहला पार्ट है 6,354,724, यानी ये क्या बनता है 63,54,724 -27,36,780। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन यहां से शुरू करेंगे, तो करो 4 - 0, यानी 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे 2 है, यहां पे 8 है, तो 2 छोटा है 8 बड़ा है, तो हम 7 से एक नंबर लेंगे और ये बन जाएगा 12। क्या बनेगा? 12। 12 - 8 कितना होता है? 4, ठीक है। इसी तरह से यहां पे बचा 6, क्योंकि हमने एक नंबर यहां कैरी कर लिया, ठीक है, तो इसलिए हम यहां से एक नंबर लाके इसको 16 बनाएंगे। यहां पे बचा 3, 16 - 7 कितना होता है? हाँ, तो ठीक है, 16 - 7 होता है 9, ठीक है। इसी तरह से यहां पे बचा 3, यहां पे 6 फिर से बड़ा है, तो यहां से फिर से एक नंबर लाएंगे, ये बनेगा 13, यहां पे बचेगा 4, 13 - 6 कितना होता है? 7, ठीक है बच्चों। इस तरह से यहां पे बच्चा 4, 4 - 3 होता है 1, ठीक है। इसी तरह से बच्चों यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, ठीक है, यहां पे 7 है, 3 छोटा है 7 बड़ा है, तो यहां से एक लाएंगे, ये बनेगा 13, 13 - 7 होता है 6, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हम यहां पे बच्चा 5, ठीक है, और 5 - 2 कितना होता है? 3, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आया 36,17,944, ठीक है। इस तरह से इन बाकी क्वेश्चंस को भी बच्चों ट्राई करो, जो जो निकलता है उसको करो, ठीक है, और मुझे भेजो। प्लस ये भी, अब कल संडे है, तो ये सारे क्वेश्चन भी मुझे भेजो, और ये सारे क्वेश्चन भी मुझे सॉल्व करके भेजो।